हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक हम बाथरूम एक टॉयलेट का कनेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सेपरेट है, टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है और बेसिन भी है। ठीक है, तो ये मेरा एक मार्किंग जो है कंप्लीट हो गया है। अगर मार्किंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर मार्किंग कम्प्लीट कर ली है और कनेक्शन भी कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो मेरा है ये पॉइंट गर्म का है, मतलब जो मेरा है गीज़र का पॉइंट है। यहाँ पर गीज़र का पॉइंट कनेक्शन दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा गीज़र का कनेक्शन रहेगा, एक राइट साइड में ठंडा, लेफ्ट साइड में गर्म रहेगा। और यहाँ पर हम एक पॉइंट निकाल रहे हैं गीज़र का। ये जो मेरा गीज़र का हम वॉल में चमेल कनेक्शन कर रहे हैं, मेरे पे वहाँ पॉइंट, आप वहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं वो जो है बेसिंग का पॉइंट है, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं गीज़र का पॉइंट। तो गाइस, राइट साइड में ठंडा रहता है, लेफ्ट साइड में गर्म रहता है, और इसका जो दूरी है 15 cm पर होता है। ठीक है, 6 इंच की दूरी पर होता है। ठीक है, अब हम 6 इंच की दूरी पर देंगे इसको, जो मेरा राइट गर्म ठंडा का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ा सेल्फ लगाएंगे। यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है गीज़र का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, मेरा बेसिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया, गीज़र का भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल मीटर का कनेक्शन करेंगे। उससे पहले इसको हम ड्रिलिंग कंकर इसको फिट कर लेंगे, फिर ड्रिल मार लेते हैं। तो इसको हम ड्रिल करके एक सेटल लगाएंगे ताकि मेरे पास है वो इधर उधर हिले नहीं। तो मेरा जो है ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम गिट्टी मारते हैं फिक्सर, और वहाँ पर ऊपर से हम एक सैडल लगा देंगे ताकि जो मेरा पाइप है वो इधर उधर हिलेगा नहीं। चलिए, जो मेरा है फिक्सर कंप्लीट लग गया है। अब हम क्या करेंगे, सैडल को लगाते हैं। तो गाइस, अब कनेक्शन देख रहे हैं, बहुत इजी कनेक्शन है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग होता है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, दिल्ली गाज़ियाबाद में। चलिए, यहाँ पे हमें कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम वॉल मीटर के लिए कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, वॉल मीटर का हाइट बताते हैं, जो मेरा फर्श है वो 1 मीटर पर रहता है। ठीक है, 1 मीटर पर जो है फर्श से वॉल मीटर का पॉइंट रहेगा, और जो मेरा राइट साइड है वो पर ठंडा रहता है, लेफ्ट साइड गर्म रहता है। जो अभी हम लगा रहे हैं वो लेफ्ट साइड है, वो गर्म का पॉइंट है। और गाइस, जो ठंडा और गर्म का जो पॉइंट है उसका दूरी 6 इंच पर रहता है। ठीक है, 6 इंच पर रहता है, 6 इंच पर रखना है। और ऊपर का सवार का पॉइंट है वो 7 इंच। चलिए, मेरा कंप्लीट हो गया है गीज़र का कनेक्शन, मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जो मेरा पॉइंट है वो WC है, जो डायरेक्ट बाहर निकलेगा सापड़ के लिए। गाइस, WC जो मेरा है डायरेक्ट, जो मेरा इंग्लिश सीट है, इंग्लिश कंपाउंड है, उसमें लगता है फ्लासिंग के लिए। और एक और पॉइंट हम देंगे, जो मेरा WC से 500 पर दूरी पर रहेगा, वो रहेगा हैंड सापड़ के लिए। गाइस, यहाँ पे गीज़र का पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक रहेगा ठंडा का पॉइंट, जो मेरा बेसिंग के लिए कनेक्शन किया जाएगा। तो इसको हम बेसिंग के लिए कनेक्शन निकालते हैं, और जो मेरा हैंड सावर का पॉइंट उसको निकालते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे गाइस, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल मीटर का पॉइंट। ठीक है, चलिए मैम, हमने यहाँ पे जो मेरा बेसिंग के पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालेंगे जो मेरा पॉइंट है हैंड सावर का, उसका निकालेंगे। तो गाइस, जो मेरा बेसिंग पॉइंट है उसका दूरी 300 पर रहता है, ठंडा और गर्म का पॉइंट 300 पे। ये मेरा हैंड सावर का भी पॉइंट निकल गया, इसका जो WC का पॉइंट है और हैंड सावर का पॉइंट है वो 500 दूरी पर रहेगा। ये पर हमने सावर का भी निकाल दिया है, जो मेरा सावर है वो फर्श से 2 मीटर पर रहेगा। ठीक है, इसे हम 2 मीटर पर कनेक्शन किए हैं फर्श से। ये जो मेरा है दोनों का दूरी 300 mm। फिर हम ड्रिलिंग कर लेते हैं, जो मेरा पॉइंट भी निकल गया है गीजर का। चलिए, मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए बाहर निकाल देंगे, एंड कैप लगा देंगे, जो मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।